पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिले में एक बड़ी घटना सामने आई है। बुधवार को बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी के कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मच गई। इस दौरान कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। भगदड़ की घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि शुभेंदु अधिकारी के इस कार्यक्रम से जाने के बाद कंबल लेने के लिए जमा भीड़ में भगदड़ मच गई। वहीं पुलिस कमिश्नर ने दावा किया है कि कार्यक्रम के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। वहीं बीजेपी की ओर से दावा किया गया है कि कंबल वितरण कार्यक्रम की सूचना पुलिस को दी गई थी। इस घटना को लेकर तृणमूल कांग्रेस पार्टी शुभेंदु अधिकारी और भाजपा पर कड़ा हमला बोल रही है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि क्या यही वो 3 दिन दिसंबर के हैं जिसकी बात शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे। 12 तारीख को लालन सिंह की मौत होती है, 14 तारीख को भगदड़ में 3 लोगों की मौत होती है, क्या 21 दिसंबर को भी कुछ ऐसा ही ट्रैजिक होने वाला है। वही चंद्रमा भट्टाचार्य ने भी ट्वीट करके नियम कानून तोड़ने के लिए शुभेंदु अधिकारी की करिया आलोचना की। तृणमूल प्रवक्ता कुणाल घोष ने शुभेंदु अधिकारी को आड़े हाथ लिया और कहा कि बिना पुलिस अनुमति के अवैध कार्यक्रम आयोजित किया गया। घोष ने आगे कहा कि शुभेंदु अधिकारी को माफी मांगनी पड़ेगी। আমরা বলি কোর্টে যাই, হাই কোর্টে যাই, সুপ্রিম কোর্টে যাই। শুভেন্দু নাম করে বলে আমি রাজা শেখর মান্থার কাছে যাব। তাকে এত সুরক্ষা দিয়ে রেখেছেন, সে তো নিজে ভাবছে সে যা ইচ্ছে করবে। সেই বেপরোয়া সাহস থেকে পুলিশকে না জানিয়ে এই সভা করেছে, এই অনুষ্ঠান করেছে, তার জন্য মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যুর জন্য দায়ী কে? শুভেন্দু, বিজেপি, নাকি শুভেন্দুর মধ্যে এই বেপরোয়া মনোভাব তৈরি করে সুরক্ষার পর সুরক্ষা দিয়ে তাকে এই বেপরোয়া মনোভাবে আইন শৃঙ্খলা হাতে নিয়ে লণ্ডভণ্ড করার জন্য রাজা শেখর মান্থা কেন দায়ী হবেন না, এটা নিশ্চিতভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন। You're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain. You're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean.